अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है। कल हम इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस में हम मुख्तलिफ चीज़ों पर जायजा लेंगे। एक चीज़ जिसका जायजा लेंगे वो है कोविड और ये कोविड-19 की जो कुछ हद तक सेकेंड वेव आपको नज़र आ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइस जो है वो ये है कि हालात ऐसे हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। अभी तक ऐसे हालात नहीं हैं कि एजुकेशनल तालीमी अदारे जो हैं उनको बंद किया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से तमाम वज़रा तालीम की जो कॉन्फ्रेंस हैं तलब करने का नोटिफिकेशन हमने यहाँ पर हासिल कर लिया है। इसी में से आपको तमाम तर डिटेल्स बताते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हैं इसके अंदर कौन कौन सा एजेंडा होगा और तालीमी इदारों के हवाले से क्या क्या जो हैं वो फैसले इस मीटिंग के अंदर डिस्कस होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और ये 2 नवम्बर का नोटिफिकेशन है। 21st मीटिंग ऑफ इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 5th नवंबर 2020 8:11 AM। तो ये 5 नवंबर को होगी और सुबह 11 बजे तमाम वज़रा तालीम की कॉन्फ्रेंस होगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज़ कन्विंग 21st मीटिंग ऑफ इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर शफकत महमूद, मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन 5th नवंबर 2020 8:11 AM। तो इसका जो एजेंडा है, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज़ एज अंडर कोविड सिचुएशन अपडेट्स एंड डिसीजंस ऑन विंटर वेकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोविड की जो सिचुएशन है वो इस मीटिंग के अंदर डिस्कस की जाएगी और जो विंटर की आपकी छुट्टियां हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी कि वो होंगी या नहीं होंगी। और जो केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, अक्टूबर में जो बढ़ना शुरू हुए हैं और नवंबर में भी 1-2 तारीख से जो है वो हज़ार केसेस सामने आ रहे हैं, वो भी सिचुएशन इस मीटिंग के अंदर डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा मूविंग एकेडमिक ईयर फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त, अप्रैल से अगस्त का जो आपका सेशन है एकेडमिक, इसके ऊपर भी डिस्कशन होंगी। और इसके अलावा बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 8 क्लास के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं ख़त्म करने या ना ख़त्म करने के हवाले से ये जो मीटिंग है इसके अंदर डिस्कस होंगे। 3 एजेंडाज़ हैं इस मीटिंग के, जो कोविड की सिचुएशन है, जो केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस की, इसको डिस्कस किया जाएगा और इसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारे बंद किए जाएँ या ना किए जाएँ। और विंटर की जो आपकी छुट्टियाँ हैं, जो वैकेशंस हैं जो हर साल होती हैं, वो होंगी या नहीं होंगी। इसके अलावा जो दूसरा एजेंडा है वो है आपके जो एकेडमिक सेशन है अप्रैल से अगस्त को स्टार्ट मतलब कि शुरू और स्टार्ट किया जाए या ना किया जाए। और तीसरा जो एजेंडा है वो बोर्ड के 8वीं क्लास के जो एग्जामिनेशंस हैं उसके हवाले से ये फैसला किया जाएगा। लेकिन मेन जो इसके अंदर एजेंडा है वो आजकल जो डिस्कस आप देख रहे हैं कि कोरोना के सिचुएशन दिन ब दिन जो है वो केसेस बढ़ना शुरू हो रहे हैं, और इस हवाले से वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कल ही अपनी ट्वीट के अंदर ऐलान किया था कि तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से कोई भी ऐसी अभी तक कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। और इसके बाद जो है वो अभी ये मीटिंग बुला ली है और इसके अंदर सिचुएशन जो है वो डिस्कस होगी और इसके अंदर फाइनल फैसला आ सकेगा कि तालीमी इदारे दोबारा बंद किए जाएँ या ना किए जाएँ। विंटर के वैकेशंस का भी इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा और इसके अंदर तमाम तर सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के सिलसिले के हवाले से है वो तमाम तर इसके अंदर डिस्कस की जाएगी। और इसके अंदर तमाम सूबों के, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दूसरे जितने भी पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए या जो मौजूद होंगे वो भी इसके अंदर शिरकत करेंगे और पूरे पाकिस्तान के हवाले से एजुकेशन की सिचुएशन है वो डिस्कस की जाएगी। तो दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज़ है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये जो मीटिंग होगी इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात आती हैं तो वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाएंगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करना होगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं तालीमी इदारों के हवाले से आपकी क्या राय है, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या जिन तालीमी इदारों के अंदर केसेस पॉजिटिव आ जाएं या जिनके अंदर कोरोना वायरस की तशखीस पाई जाए वही जो है वो तालीमी इदारे बंद किए जाएं या ना किए जाएं। तो आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट के अंदर
ज़रूर दें, तो इसके बारे से मज़ीद अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। आज के लिए इतना है, ये मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिजल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भी